समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले का आज समापन हो गया। मेले के समापन समारोह में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर डीसी राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सर्वप्रथम अतिथियों ने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी एस पांडे भी मौजूद रहे। इस 3 दिवसीय किसान मेले में बिहार सहित 9 राज्यों से किसानों ने हिस्सा लिया। मेले में विश्वविद्यालय के अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े 180 स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका किसानों ने भरपूर लाभ लिया। मेले में आने वाले किसान इस मेले से काफी संतुष्ट दिखे। उनका कहना था कि इस मेले में आकर उन्हें खेती के नए तकनीक और बीजों के नए प्रवेश की जानकारी मिली है। देखिए, सबसे बड़ा तो देख के ये लगा कि अब हमारे किसान भाई जी जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसान आपस में मिलके वो फार्मर्स कंपनियां बना रहे हैं। तो जब समूह होती है तो शक्ति बनती है। और हमने जो अभी तक का प्रोडक्ट देखा तो लगता है कि अब हमारे देश का किसान है वो किसान भी बहुत प्रगति करेगा। और माने हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के काम करेगा। देखिए, इस किसान मेला में हमको बहुत अच्छा इसका जो है ना प्रमाण भी दिया है और परिणाम भी दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मेले में करीब कई राज्यों से करीब करीब 9 राज्यों के लोगों से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ। लोग आए 3 दिन के मेले में। प्रथम दिन जो है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी आए थे और आपने देखा तो हम लोग जो किसान यहाँ के हैं। और दूसरे दिन जो कल है हमारे श्री महेश्वर हजारी जी हम जो माननीय विधायक हैं हमारे इस क्षेत्र से कल वो आए थे। और कल आपने देखा लखपति किसान हम लोगों के द्वारा पोषित जो हम लोग उनको टेक्निकल हैंड होल्डिंग किए हैं। करीब करीब हमारे 28 लखपति किसान, एक सपना था कि भाई किसानों की आय कैसे दुगनी होगी और कल हमने इन सबको दिखा दिया उन्हीं की कहानी उन्हीं के जुबानी से। और सब लोगों का हम लोगों ने सम्मान यहाँ किया सबके सामने। उसके बाद लखपति तो है ही, करोड़पति किसान को भी हम लोगों ने कल सम्मानित किया जो कि हम लोगों के साथ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके वो करोड़पति अब आज के दिन में कारोबार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसानों की आय दुगनी करने की पहले बात हो रही थी, आज के दिन में दुगनी ही नहीं कई गुनी बढ़ गई है। तो ये बहुत ही अच्छा एक संकेत है कृषि के क्षेत्र में। कृषि शिक्षा शोध और प्रसार का जो हमारा विश्वविद्यालय का मेन मैंडेट है उस कड़ी में देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और बच्चे बड़े कृषि के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्कूल के भी बच्चे आए हैं, कॉलेज के भी बच्चे आए हैं। देख देते कि एक जो मेला होता है एक आकर्षण का केंद्र होता है। हम लोग कृषि के क्षेत्र में टैलेंट को, प्रतिभा को हम लोग आकर्षित करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हमारे कृषि के क्षेत्र में आए। तो ये भी एक, और ख़ास करके जो है आप देखेंगे कि हर तरह की नई तकनीकियाँ हमने इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके यहाँ दिखाया। तो जब किसान देखता है और समझता है तो बहुत ही प्रभावित होता है और उसको करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से मेले ने बहुत कुछ मतलब किसानों के लिए बहुत अच्छा रहा, विश्वविद्यालय के भी बहुत बहुत अच्छा रहा। करीब करीब मैं समझता हूँ कि हमारे 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और बहुत लोग आए हैं। मोर देन 50,000 लोग मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि लोग आए हैं। और हर तरह के प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आए हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान यहाँ आए हैं, कृषि विश्वविद्यालयों से लोग आए हैं, उनके भी पंडाल लगे हुए हैं कुल मिलाकर के। और यहाँ पर हम किसानों के लिए जो बीज है प्रमाणित जो हमारे जो स्टैंडर्ड का क्वालिटी सीड होता है उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो किसान बहुत बिक्री भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये मेला है विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा रहा। किसानों के साथ हम लोग और जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को भी सुने हैं
और सारा कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, तो उनके समस्याओं को और भी हम लोग बढ़िया से बढ़िया निदान करके उनको उनके द्वारा सेवा हम लोग पहुँचाएँगे विश्वविद्यालय का। तो कुल मिलाकर के बहुत ही संतुष्टिपूर्ण पूरा प्रमाण और परिणाम सहित मेले का जो है आयोजन हुआ।